नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित राजगुरु शर्मा आप सभी का एक बार फिर से हमारे शब्द ज्ञान YouTube चैनल में दिल की गहराइयों से अभिनंदन है। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है, यदि किसी भी जातक या जातिका का गुरु कमजोर है, यानी बृहस्पति कमजोर है, चाहे वो जन्म कुंडली में हो, चाहे नवांश कुंडली में हो, या गोचर में हो, या किसी भी अशुभ स्थान में हो, तो उसके आपको पता कैसे लगता है, उसके बारे में आपको कैसे जानकारी हो। उसके कुछ लक्षण होते हैं, यदि वो लक्षण आपके साथ गुजर रहे हैं, आपके साथ बीत रहे हैं, या आपके साथ उन लक्षणों में से कुछ आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो समझो कि आपके कुंडली में, चाहे जन्म कुंडली हो या नवांश कुंडली हो या गोचर हो या अशुभ स्थान में हो, तो तुम्हारा गुरु कमजोर है, कमजोर चल रहा है। लेकिन इसमें यदि आप कुछ उपाय करते हैं, समाधान करवाते हैं, करते हैं, तो गुरु मजबूत भी हो सकता है और आपको अच्छा प्रभाव भी देने लगेगा। आज हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं, इस बात को आपके सामने पेश करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, यदि अभी तक किसी भाई बहन ने हमारे शब्द ज्ञान YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप हमारे शब्द ज्ञान YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई ज्ञानवर्धक ऑडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलती रहे। तो दोस्तों, यदि आपको कोई भी जानकारी चाहिए या किसी समस्या का समाधान आप चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, या फिर हस्तक रेखा, मस्तक रेखा, जन्म कुंडली के बारे में आप समाधान चाहते हैं, उसका जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डिटेल भेज सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं हम टॉपिक पर कि गुरु जिसका कमज़ोर हो जाता है, चाहे जातक हो या जातिका, तो उसके साथ ऐसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि आपके साथ इनमें से लक्षण कोई सा भी आपके साथ गुजर रहा है या चल रहा है या बार बार हो रहा है, तो समझो कि आपका गुरु, आपका बृहस्पति बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। तो इसकी पहचान क्या है, इसके लक्षण क्या है, इस बारे में हम अब चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला लक्षण जो होता है, सर के बाल झड़ने लगते हैं, यानी कि शनि कमज़ोर हो या फिर बृहस्पति कमज़ोर हो, इनमें सर से शुरू होता है और सर से बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। सोना खो जाना या अचानक सोने की चोरी हो जाना है, घर में भी किसी वस्तु का नुकसान हो जाना, इसको भी गुरु कमजोरी कहते हैं और ये गुरु कमजोर के लक्षण होते हैं। शिक्षा में बाधा आना, दिमाग सही तरीका से काम नहीं करना, कमाई से ज्यादा खर्चा होना, कर्जा हो जाना, काम धंधे में रुकावटें आना, नई नई बीमारियां उत्पन्न होना, बने बनाए खेल बिगड़ जाना, और जो आपका कमाया हुआ धन है वो दांव पर लग जाना, किसी विवाद में फंस जाना, ऐसी समस्याएं यदि आपके साथ गुजर रही हैं, तो ये लक्षण भी गुरु कमज़ोर होने के हैं, यानी कि बृहस्पति कमजोरी के लक्षण हैं। अपियस, शरीर की त्वचा का सूख जाना, ये भी बृहस्पति कमज़ोर होने के लक्षण, यानी कि गुरु ग्रह कमज़ोर होने के प्रभाव हैं। सांस लेने में कष्ट होना, पिता से संबंध टूट जाना, अनबन हो जाना, खटास पैदा होना, ये भी गुरु कमज़ोर होने के लक्षण हैं। अत्यधिक अहंकार पैदा हो जाना, घमंडी हो जाना, बड़ी बड़ी बातें करना, आमने अपने सामने किसी की बात को ना समझना, ना किसी की बात को रखना,
ये भी गुरु के लक्षण हैं, यानी कि अपनी बात पर ही जोर देना, चाहे वो गलत हो या सही हो। अपनी बात पर जो जब जोर देने लगता है इंसान, तो समझो कि उसका गुरु कमज़ोर है। दोस्तों, जब गुरु कमज़ोर हो जाता है या कुंडली में चल रहा है, तो समझो कि शादी होने में भी दिक्कत आती है, रिश्तों में भी खटास पैदा हो जाती है, आपके साथ विश्वासघात होने लगता है, मन दुखी रहने लगता है। ये सभी कारण, ये सभी लक्षण, ये सभी प्रभाव, ये सभी पहचान गुरु कमज़ोर होने के हैं। दोस्तों, इनके कुछ उपाय हैं, यदि आप इनका उपाय करते हैं तो आपका गुरु मजबूत हो सकता है और बलवान हो सकता है। इसमें आप घबराए नहीं और ज़्यादा टेंशन में ना जाएं। जो हम उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यदि आप इनमें से कोई सा भी उपाय करते हैं तो आपका गुरु मजबूत हो सकता है, बलवान हो सकता है और अच्छा प्रभाव छोड़ने लगेगा। तो वो उपाय कौन कौन से हैं, इनको भी मैं विस्तार से आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुने। सबसे पहला उपाय है, पीला कपड़ा जेब में हमेशा रखें। वीरवार को 5 साबुत हल्दी बहते जल में प्रभावित करें। जो हल्दी की गांठ होती है, वो 5 हल्दी की गांठ लेकर आप वीरवार को बहते हुए जल में प्रभावित करेंगे तो आपका गुरु मजबूत होगा, बलवान होगा, अच्छा प्रभाव देने लगेगा। वीरवार को केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। वीरवार को पीला चावल सोने का दान जरूर करना चाहिए। वीरवार को केले ना खाएं, ना किसी को खिलाने चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो आपका गुरु मजबूत होगा, बलवान होगा, अच्छा प्रभाव छोड़ने लगेगा। अगर कहीं से केले का प्रसाद वीरवार को मिले तो उसे उठाकर रख देना और अगले दिन चाहे उसे आप खा सकते हैं या फिर उसे किसी गाय के या कुत्ते के या बिल्ली के, जो भी उसे खा सकता है उसे डाल दीजिए, लेकिन उसका अपमान ना करें। ऐसा करने से भी आपका शनि अच्छा होगा, मजबूत होगा। वीरवार सुबह साबुत हल्दी पीले धागे से बाजू में बांधने से भी आपका गुरु मजबूत होगा, बलवान होगा, अच्छा प्रभाव देने लगेगा। कढ़ी चावल बनाकर गरीब बच्चों को खिलाने से और खुद भी खाने से आपका बृहस्पति मजबूत होगा, बलवान होगा, अच्छा प्रभाव देने लगेगा। केसर का तिलक माथे और नाभि पर लगाना चाहिए। वीरवार को वृद्ध ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। साधुओं की सेवा करने से भी आपका गुरु मजबूत होगा, बलवान होगा, अच्छा प्रभाव देने लगेगा। चमेली के फूल नदी में प्रभावित करने से भी आपका गुरु मजबूत होगा। भैरव मंदिर में शराब चढ़ाने से भी आपका गुरु मजबूत होगा। कोई काम शुरू करने से पहले नाक साफ जरूर करें। वीरवार व अमावस्या का व्रत जरूर रखना चाहिए, इसमें भी आपका गुरु मजबूत हो सकता है और अच्छा प्रभाव छोड़ना शुरू कर सकता है। वीरवार को पीले वस्त्र का दान भी करने से आपका गुरु मजबूत होगा, बलवान होगा, अच्छा प्रभाव देने लगेगा। गुरु की होरा में निर्जल रहे, इससे भी आपका गुरु मजबूत होगा, बलवान। चने की दाल व गुड़ बाजरा गाय को खिलाने से और चने की दाल एवं गुड़ जमीन पर ना रखने चाहिए। इन बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं, उपाय करते हैं, उससे भी आपका गुरु मजबूत होगा, बलवान होगा। सोना जरूर धारण करना चाहिए। गुरुवार के दिन सोने की रिंग या अंगूठी बनवाकर आप धारण कर सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, आपका गुरु मजबूत होगा। सोने के दो पीस लेकर एक नदी में प्रवाहित करें और दूसरा
आजीवन अपने पास रखें, इससे भी आपका बृहस्पति मजबूत होगा, गुरु बलवान होगा और हमेशा अच्छा प्रभाव देगा। कच्ची साबुत हल्दी की गांठ पीले धागे में बांधकर अपनी दाहिनी भुजा पर बांध लीजिए, इससे भी आपको हमेशा गुरु मजबूत होकर अच्छा प्रभाव देने लगेगा। पीले फूल विष्णु भगवान जी को चढ़ाने से भी गुरु मजबूत होता है, बलवान होता है। बुधवार श्रीया ने पीली चने की दाल भिगो कर रख दें, अगले दिन सांड को दाल में गुड़ मिलाकर खिलाने से गुरु मजबूत होता है, बलवान होता है। यदि सांड नहीं मिलता है तो उसे आप गाय को भी खिला सकते हैं। दोस्तों, मैंने बड़े ही विस्तार से आपको बताया है यदि आपका बृहस्पति कमजोर है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, और यदि आपका गुरु कमजोर है तो उसे मजबूत बलवान बनाने के लिए क्या उपाय हैं, वो भी मैंने आपको विस्तार से बताए हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरी थोड़ी सी ऑडियो वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करना, कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को करता हूँ नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।